तो मैं वहाँ रिच होम स्टे पे चली गई। वहाँ मैंने देखा कि कोई पूजा वूजा तो नहीं हो रही थी, वहाँ पर पार्टी चल रही थी शराब की। वहाँ में जो जीतू, रवि, सोनू, अशोक, अंकुश और ये जीतू, रिया और एक और नाम है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, छोटा जी, तो ये सब लोग मुझे वहाँ मौजूद मिले थे। फिर उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी काली वाली, उसमें शराब मिली हुई थी तो वो मैंने पी ली थी। मैंने पूछा उसमें शराब तो नहीं है कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक है, आप पी लो और फिर आप घर चली जाना मिठाई वगैरह लेके बच्चों के लिए। मैंने कहा ठीक है। उसके दो तीन ग्लासेस उन लोगों ने मुझे पिलाए, उसके बाद थोड़ा मुझे नशा सा होने लगा। फिर मैंने कहा भाई मुझे क्या मिला के दिया है, मुझे घर जाना है। तो जी तूने बोला नहीं आज तुम्हें रात भर यहीं रुकना पड़ेगा और तुम्हें 5,000-5,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लोग मेरे साथ कुछ करने वाले हैं। फिर मैंने बोला तो जी तूने अंदर कमरे में मेरे सर में बोतल मार दी थी जोर से कांच की। आपके साथ 11 नवंबर को जो रिच होम स्टे में हुआ उसकी आपने FIR भी दर्ज कराई है, क्या हुआ था, ये वाकया शुरू से क्या है? जी मैं आज से डेढ़ साल पहले नौकरी के लिए आई थी, जो है ताज नगरी में ब्लोसम स्पा। तो वहाँ मैंने देखा कि मुझे वहाँ जीतू, रिया जो रिसेप्शन के मालिक थे, स्पा के अशोक, सोनू, ये चारों मुझे मिले थे। वहाँ मैंने बात की थी 10,000 रुपये प्रति माह काउंटर पर रिसेप्शन की नौकरी के लिए, तो इन्होंने मुझे 10,000 रुपये काउंटर पर नौकरी के लिए रख लिया। एक महीने तो इन लोगों ने मुझे टाइम से पैसे दिया। फिर उसके बाद में एक महीने बाद इन्होंने देखा कि मेरी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इन लोगों ने देखा कि मेरा हस्बैंड भी मजदूरी करते हैं 8,000 रुपये महीने पे, तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि आप जो 10,000 रुपये एक महीने में कमाती हो वो आप 2-3 दिन में भी कमा सकती हो। फिर मैंने पूछा कैसे, तो इन लोगों ने बोला हम समझाते हैं, इनका पार्टनर है सोनू, तो उसके साथ इन्होंने मुझे बोला कि आपको इनके साथ कमरे में जाना है, ये आपको समझाएंगे कि कैसे आपको पैसा कमाने का जरिया है। फिर मैंने सोनू से बात करने की कोशिश की तो फिर लोगों ने मुझे कमरे में सोनू के साथ भेज दिया। वहाँ सोनू ने फिर मेरे साथ संबंध बनाया। उस समय मैं मजबूर थी, मुझे किराया देना था अपने मकान का 5,000 रुपये। फिर सोनू ने मेरे संबंध बनाए मेरे साथ और उसी दौरान मेरी वीडियो भी बना ली थी। जब मैं बाहर निकल के आई तो इन लोगों ने मुझे पैसे दिए 5,000 रुपये कि अपना किराया दे देना मकान का। फिर मैं घर चली गई। जब मैं फिर दूसरे दिन आई तो फिर इन लोगों ने कस्टमर बुलाया था फ़ोन से। फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप कस्टमर करने जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो काउंटर पर नौकरी के लिए रखा है 10,000 रुपये पे, तो फिर मैं क्यों जाऊँ, ज़रूरत थी। तो आपने मुझे बोला कि सोनू के साथ जाना है तो मैं चली गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे वो वीडियो दिखाई थी जो सोनू ने मेरी बनाई थी। फिर वीडियो दिखाने के बाद फिर ये लोग मुझे बोले कि अगर ये वीडियो के आधार पर अगर काम नहीं करोगी, हमारी बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे पुलिस बुला के। कस्टमर के साथ रूम में चली जाओगी तो हम चुपचाप पुलिस बुला लेंगे और आपके घर पे भी कह देंगे। फिर मैं डरने लगी क्योंकि मेरे घर में भी नहीं पता था कि मैं यहाँ रिसेप्शन पर होटल में नौकरी करती हूँ। मैं चुपचाप अपने बच्चों की खातिर, चार मेरी छोटी छोटी बेटियाँ हैं, काम करने लगी। फिर इन लोगों ने मुझे वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 5-6 महीने ये सब चलता रहा। मैं जो ये लोग मुझे जो कहने लगे मैं वो करने लगी। ये लोग कस्टमर से पैसे लेते थे 3,000 से 5,000 रुपये और लड़कियों को, और मेरी जैसी और भी लड़कियां हैं वहाँ, उन्हें 800 रुपये देते थे, मुझे भी ये 800 रुपये देने लगे। तो मैंने 5-6 महीने वहाँ काम किया। फिर 5-6 महीने बाद पुलिस की कार्रवाई के लिए फिर स्पा सेंटर सारे बंद हो चुके थे क्योंकि पुलिस ने बीच में ऑब्जेक्शन उठाया था। फिर उसके बाद ये लोग होटल में लेके गए थे मुझे और मेरे से और भी स्टाफ। फिर इन्होंने होटल में काम करना शुरू करवा दिया। कौन से होटल में इन्होंने काम आपसे करवाया? जी रिच होम स्टे भी है और एक प्रिया पैलेस के नाम से होटल है, वो अशोक का है, तो वहाँ भी इन लोगों ने 6 महीने काम करवाया मुझसे। इस तरीके से मुझे 1.5 साल तक तो काफ़ी टॉर्चर करते रहे। कभी कभी तो मारपीट भी करते थे और कोल्ड ड्रिंक में मिला के शराब भी पिलाते थे। कभी कभी मुझे घर भी नहीं जाने देते रात और दिन, 2-2, 3-3 दिन तक घर से बाहर भी मुझे रखते थे। फिर मैं इनके कहने पर चलती रही क्योंकि मेरी मजबूरी थी, टॉर्चर करते थे ये लोग मुझे। फिर उस दौरान फिर मेरी नानी ख़त्म हुई थी बीच में ही, तो उन लोगों ने मुझसे पैसे के लिए भी बोला कि वीडियो वायरल करने की धमकी और घर में मेरे हस्बैंड को बोलने के लिए, तो मैंने इन्हें 4.5 लाख रुपये भी दिए थे। उन्होंने बोला कि जो हम तुमसे काम करवाते हैं वो काम नहीं करवाया करेंगे, तो मैं पार्टनरशिप में से पैसे दिया करेंगे हम और तुम्हारी वीडियो भी डिलीट कर देंगे। तो फिर मैंने पैसे भी ला के दिए। फिर उसके बाद भी इन्होंने मुझे टॉर्चर करना बंद नहीं किया, वही काम मुझसे करवाते रहे। पैसे आप कहाँ से लाईं, क्योंकि अभी तो आप कह रही थी कि आपके पास पैसे की कमी थी, तो 4.5 लाख रुपये आप बता रही हैं इन्हें दिए। एक तो ये चीज़ थोड़ा क्लियर कीजिए। दूसरी ये चीज़ कि ये लोग कौन हैं, इनके नाम क्या हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ तक आपको इनके बारे में जानकारी है, इस चीज़ को ज़रा क्लियर करें।
पैसे जो एक्चुअली वो मेरी मम्मी पापा बचपन में ख़त्म हो चुके थे, मुझे मेरी नानी नाना ने पाला था, तो मेरी नानी ने 85 गज का प्लॉट दिया था मुझे और एक मेरे भाई को, दोनों को। तो उसमें जो मैंने प्लॉट सेल आउट करके इनको पैसे दिए थे वो मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं थाने में दे चुकी हूँ एविडेंस। तो उस दौरान मेरे पास में संपत्ति तो नहीं थी, जो नानी ने प्लॉट दिया था हम दोनों भाई बहन को, तो उसी में से जो पैसे आए थे वो मैंने इनको दिए थे। तो ये कौन लोग हैं, क्या नाम है इनके? जी, इनमें एक महिला भी शामिल है जिसका नाम रिया है, जीतू, छोटा, सोनू, अशोक और जो होम स्टे है उसका नाम रवि है। तो ये जो आप नाम बता रही हैं इसमें मुख्य रूप से कौन आदमी है जो इसको संचालित करता है और गिरोह का सरगना है? ये चार सरगने हैं, सोनू, अशोक, जीतू, रिया। तो ये जो सोनू और अशोक, इसमें एक रवि शायद नाम भी आया था। जी, एक्चुअली रवि तो जो रिच होम स्टे का मालिक है और इसके अलावा भी एक होटल है जिसका जो चारों पार्टनर है, इस पर सेंटर जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वहाँ जीतू, रिया, सोनू, अशोक, ये चारों पार्टनर मुझे मिले थे। रवि से तो बाद में कॉन्टेक्ट हुआ इनके जरिए से। तो ये जो होम स्टे चला रहे थे और ये सब करते हैं, तो क्या होम स्टे के अंदर सिर्फ देह व्यापार वाला ही काम करते थे या वहाँ पे ग्राहक आके भी रुका करते थे? जी, वहाँ देह व्यापार भी होता था और फैमिली रूम भी कभी कभार लगाते थे ताकि सामने वाले जो सोसाइटी के लोग हैं उन्हें इन पे शक ना हो। अच्छा, तो उस रात को आपके साथ क्या हुआ? जी, मुझे जीतू और रिया ने फ़ोन किया था, जो जीतू है और रिया जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं दोनों, उनके आपस में संबंध है, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि आज दीपावली की पूजा है, एक दिन पहले ही करनी है क्योंकि कल सभी अपने घर पे त्यौहार मनाएंगे, तो आप आ जाओ, मिठाई ले जाना और जो भी पैसे हैं आपके हिसाब में से पैसे लेके जाना और पूजा भी कर जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाती हूँ। तो मैं वहाँ रिच होम स्टे पे चली गई, वहाँ मैंने देखा कि कोई पूजा वूजा तो नहीं हो रही थी, वहाँ पर पार्टी चल रही थी शराब की। वहाँ में जो जीतू, रवि, सोनू, अशोक, अंकुश और ये जीतू, रिया और एक और नाम है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, छोटा जी, तो ये सब लोग मुझे वहाँ मौजूद मिले थे। उसके बाद फिर मैंने इन लोगों से बोला कि आप लोग जो कर रहे हो पार्टी वो करते रहो। उस दिन मेरे हस्बैंड भी शादी में जा रहे थे, मेरे बच्चे अकेले थे, मैंने कहा मुझे घर जाना है, बच्चे अकेले हैं, आप मुझे मिठाई विठाई दे दीजिए और मेरा हिसाब कर दीजिए। तो उन लोगों ने बोला ठीक है। फिर रिया ने मुझे बोला कि हाँ दीदी बैठो, अभी चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी काली वाली, उसमें शराब मिली हुई थी तो वो मैंने पी ली थी। मैंने पूछा उसमें शराब तो नहीं है? कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक है, आप पी लो और फिर आप घर चली जाना मिठाई वगैरह लेके बच्चों के लिए। मैंने कहा ठीक है। उसके 2-3 ग्लास उन लोगों ने मुझे पिलाया, उसके बाद थोड़ा मुझे नशा सा होने लगा। फिर मैंने कहा भाई मुझे क्या मिला के दिया है, मुझे घर जाना है। फिर इन लोगों ने बोला जीतू और रिया ने कि ठीक है दूसरे वाले कमरे में आ जाओ, आपका हिसाब निकल रहा है वो हिसाब कर लो। फिर मैं दूसरे वाले कमरे में चली गई इनके साथ में, जहाँ मैंने देखा कि 2 कस्टमर बैठे हुए थे, तो मैं वहाँ थोड़ा चिल्लाने लगी तेज़ आवाज़ में, तो एक कस्टमर तो वहाँ से चला गया डर की वजह से, एक कस्टमर वहाँ था। तो फिर मैंने जीतू को बोला, मैंने भैया मुझे पैसे दे दो, मुझे जाना है, मुझे आज काम नहीं करना, मेरे बच्चे अकेले हैं। तो जीतू ने बोला नहीं, आज तुम्हें रात भर यहीं रुकना पड़ेगा और तुम्हें 5,000-5,000 रुपये मिलेंगे। मैंने बोला नहीं, तो मैं थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती ये लोग करने लगे मुझसे, फिर मेरे को धक्का मार दिया उसी कमरे में, जीतू रिया ने बाहर से गेट लॉक कर दिया उसी कस्टमर के साथ में। फिर कस्टमर मुझे उससे ज़बरदस्ती रिलेशन बनाने लगा, मैं आवाज़ दे रही थी बाहर से लेकिन इन लोगों ने फुल साउंड में डीजे बजा रखा था तो आवाज़ मेरी नहीं पहुँच रही थी। फिर मैंने अंदर ज़बरदस्ती कस्टमर ने मेरे साथ संबंध बना लिए। उसके बाद फिर कस्टमर ने ही जीतू को फ़ोन किया अंदर कमरे में से, फिर जीतू ने बाहर से गेट खोला, फिर वो कस्टमर तो चला गया। जब मैं वहाँ से कमरे में दूसरे वाले में आई जहाँ ये लोग पार्टी कर रहे थे, तो फिर इन लोगों को मैंने दोबारा बोला कि अब तो मुझे घर जाने दो, मैं रो रही थी उस समय, फिर भी इन लोगों ने नहीं सुना। फिर मैंने तेज़ चिल्लाया, वो मैंने प्लग निकाल दिया था जो डैक बज रहा था ताकि मेरी आवाज़ बाहर जा सके, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लोग मेरे साथ कुछ करने वाले हैं। फिर मैंने बोला तो जीतू ने अंदर कमरे में मेरे सर में बोतल मार दी थी ज़ोर से कांच की, मेरे सर से खून बहने लगा। फिर मैंने ज़ोर से चिल्लाना चाहा तो फिर अंदर से गेट लॉक कर लिया, इन लोगों ने मेरे कपड़े उतारने लगे ज़बरदस्ती और फिर मुझे टॉर्चर करने लगे। उसके बाद फिर मेरा सर फट गया था, खून निकल रहा था, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मेरी आवाज़ पहुंची बाहर तक। तो फिर बाहर से सिक्योरिटी गार्ड आए थे, उन्होंने गेट लॉक किया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने गेट लॉक करने के बाद भी इन लोगों ने काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खोला था। फिर दरवाज़ा खोला, मैं बाहर आई तो फिर और भी आसपास के लोग आए, उन्होंने मेरी वीडियो बनाई जिस तरीके से मैं टॉर्चर हो रही थी, परेशान थी उस समय, मैं इतनी परेशान थी बहुत ज़्यादा, मुझे हालत भी बहुत बेहोशी की हालत हो रही थी। तो फिर आसपास के लोगों ने मेरी वीडियो बनाई और पुलिस को इन्फॉर्म किया था, फिर पुलिस आई थी। फिर पुलिस आने के बाद क्या हुआ?
पुलिस ने फिर मुझे बिठा लिया, थोड़ा पानी वानी पिलाया, शांति दी। फिर वो लोग इन लोगों के खिलाफ जो भी एक्शन है, पहले मुझे तो थाने भेज दिया था उन लोगों ने, जो लोग बाकी अंदर रूम में छुपे हुए थे, फिर उन लोगों को गिरफ्तार करके थाने लेकर आए। अच्छा, एक इसके अंदर नाम आ रहा है, और आपने भी वीडियो में आप नाम ले रही हैं कि पत्रकार इनके साथ हैं, वो पत्रकार कौन है और पत्रकारों के साथ इनका क्या रैकेट है और किस तरीके से पूरा इन्होंने जाल बुन रखा है जो आप बता रही हैं उस तरीके का? जी, जो अशोक जो नाम है, जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, वही पत्रकार है। ये कौन सी न्यूज है ये तो मुझे कंफर्म नहीं है। उनके कुछ और भी, इनके जो हेड हैं, सीनियर हैं, वो उनको भी नहीं जानते। उनका होटल है एक प्रिया पैलेस, तो वही इन लोगों की सीनियर है, अशोक, सोनू, जीतू, रिया, ये सभी पार्टनर हैं चारों। तो पत्रकार का इस पूरे प्रकरण में क्या लेना देना है और क्या इस पूरा जो रैकेट है इसमें वो उसकी क्या भूमिका है? ऐसे कि अशोक जो है वो पत्रकार है, वो मतलब है ना सामने नहीं आता, बहुत ही कम आता। उसने अपनी ही प्लॉट पे होटल बना दिया है, और जो दूसरों को जो पार्टनर हैं इसके, सोनू, जीतू, इन लोगों को ये बिठा देता है होटल पे और स्पा पे, ये पीछे रहता है। कल कोई बात होती है तो ये जब सेटिंग वेटिंग जो कर लेते हैं पुलिस से। अच्छा। जी, तो इसके अंदर जो ये पूरे सब लोग हैं, इसमें 8 लोगों के खिलाफ आपने FIR कराई है, इन 8 लोगों की क्या भूमिका है इस पूरे रैकेट को चलाने में? जी, ये चार तो किस तरह से चलाते हैं? यही है कि देखिए, ये सब लोग आधे आधे पैसे लगाते हैं। जैसे अगर 6 लाख रुपए अगर लगा है स्पा में, तो चारों की जो 4 पार्टनर है उनकी भूमिका रहती है। जो बाकी जो ये लोग 4-5 लोग हैं, ये काम करते हैं, जैसे कस्टमर को लेके आना, ये सैलरी बेस पे और कमीशन मिलता है इनको, ये अपने कस्टमर लगाते हैं। तो स्पा किसी होटल में खोलते हैं या अलग खोलते हैं, या स्पा अभी इनके चल रहे हैं किस तरीके से, क्या पोजीशन है? अभी तो स्पा बंद चल रहे हैं पुलिस की कार्रवाई से, लेकिन ये लोग कोई ऐसे खाली फ्लोर देखते हैं, जहाँ भी रेंट पे मिलता है तो खाली फ्लोर होता है, वहाँ ये लोग सेटलमेंट करते हैं, सामान वगैरह, बेड वेड, सोफे तो ही बनाते हैं अपने स्तर से, किराए पे लेते हैं ये लोग बिल्डिंग स्पा सेंटर बनाने के लिए। अच्छा, तो ये आगरा में क्या आपकी जानकारी में है कि इस तरीके के और भी रैकेट हैं जो होम स्टे के नाम पे और होम स्टे में ये सब गतिविधियों को, अनैतिक गतिविधियों को संचालित करते हैं? जी, जो मेरी जानकारी में था, मैं पुलिस को जानकारी इसकी दे चुकी हूँ, और मैं सब कुछ ओपन नहीं बोलना चाहती क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, फैमिली है मेरी, तो मुझे भी डर रहता है क्योंकि आए दिन फ़ोन पर धमकी आती है मुझे, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। इस अनैतिक व्यापार में आगरा के अंदर अनगिनत होम स्टे चल रहे हैं, और पुलिस इस देवव्यापार के खिलाफ कार्रवाई लगातार करने में लगी हुई है। अभी तक पुलिस ने 35 होम स्टे बंद कर दिए हैं जो अनैतिक रूप से चल रहे थे, और पुलिस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब होम स्टे सिर्फ वो चलेंगे जिसको मालिक चला रहे हैं, किराए पर कोई भी होम स्टे नहीं चलेगा। पुलिस लगी हुई है, लेकिन कितना इसमें सफलता मिलेगी और कितना इस देह व्यापार के काले कारोबार में रुकावट आएगी या ख़त्म होगा, ये भविष्य में पता लगेगा। अरविंद शर्मा, आगरा, UP तक।